अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आलियाज़ किचन। मैं आज आपके साथ स्टाइलिश आलू पराठा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पहले हम कुकर में आलू को बॉईल कर लेंगे, फिर उसके ऊपर से जो छिलके हैं उसको उतार लेंगे, फिर हम आलू को मैश कर लेंगे। फिर हमने कढ़ाई में ऑयल और ऑनियन को फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट देकर उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर नमक, लाल मिर्च पाउडर दे देंगे, फिर हल्दी पाउडर, फिर उन दोनों चीज़ों को भून लेंगे। फिर उसके बाद गरम मसाला देकर उसको भून लेंगे। फिर हमने आलू मैश करा था उसको हम डाल देंगे। उसके ऊपर थोड़े से धनिया पत्ता, फिर हमने जो आटा गूंद के रखा था उसको गोल गोल शेप दे देंगे। फिर हम उस आटे को थोड़ा सा मैदा लगा के एक कटोरी के शेप में कर लेंगे। फिर जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था सारा, वो हम थोड़ा उसमें डालेंगे। उसको ऊपर से हल्के हाथों से थोड़ा फोल्ड कर दो, उसको ऊपर से थोड़ा सा दबा देना हल्के हाथों। फिर हल्के हाथों से थोड़ा सा गोल शेप देंगे बड़ा करके। फिर हम चाकू की मदद से उसको मैंगो के शेप में काटेंगे। जब हम मैंगो के शेप में काटेंगे तो उसके साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा वेस्टेज हो रहा है उसको हम उस साइड में से हटा देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंगो शेप में आ चुका है। अब इसको हम ऑयल लेके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब आप इसको चटनी या फिर सॉस के साथ आप ये खा सकते हो। ये बिल्कुल मतलब मैंगो पराठा रेडी हो चुका है आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।